अच्छे खासे माइलेज के साथ अगर गाड़ियों में सेफ्टी भी 100% मिल जाए तो इसे आप नेचुरली सोने पे सुहागा कहेंगे। और टाटा पंच सीएनजी के साथ में आने वाली है 4 SUVs और 3 हैचबैक कारें, ड्यूल सिलेंडर, बड़ा बूट स्पेस और माइलेज होगा इनका लाजवाब। तो टाटा मोटर्स अगले कुछ महीनों में नई एल्ट्रोस सीएनजी, पंच सीएनजी के साथ में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी का भी सीएनजी पोर्टफोलियो में विस्तार करने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि टाटा की ये सभी सीएनजी कारें ड्यूल सिलेंडर सेटअप के साथ आएंगी, यानी जिस टेक्नोलॉजी में आपको 100% आपका बूट स्पेस भी यूजेबल मिलता है। और टाटा मोटर्स जहाँ पर देश में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर लगी हुई है, इस कंपटीशन को और भी तेज करने के लिए टाटा ब्रांड जल्द ही देश में और नई कई कारों को लॉन्च करने की योजना में है। और जहां पर टाटा मोटर्स अपनी 4 SUV, 3 हैचबैक कारों को लॉन्च करने वाली है और इनमें से एक सीएनजी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा पंच काफ़ी खास है, जिसे ड्यूल सीएनजी सिलेंडर के साथ लाया गया है। और बात करें सबसे पहले पंच सीएनजी के बारे में ही, तो पंच सीएनजी जिसमें कि 1.2 लीटर का पावरफुल इंजन है, 77 PS पावर, 97 Nm का टॉर्क है और इस इंजन को 5 स्पीड के मैनुअल गियर बॉक्स के साथ लाया जा रहा है। और फीचर्स की बात करें तो मेनली पंच सीएनजी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL, मशीन कट एलॉय व्हील्स और साथ में है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो एल्ट्रोस सीएनजी ने भी हाल में ही ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी शुरुआत की है और पंच की तरह एल्ट्रोस भी ट्विन सिलेंडर सीएनजी किट के साथ में आने वाली है। इसमें 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा और यह इंजन 77 पीएस की पावर, 97 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। और टाटा एल्ट्रोस 3 इंजन विकल्प 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल इंजन में अवेलेबल। इसके अलावा अपडेटेड टाटा हैरियर और सफारी भी मार्च 2023 में आने वाली है, जिसमें न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 360 व्यू डिग्री कैमरा, कई नए फीचर्स और कंपनी इसे एक्सटीरियर स्टाइल और एडास जैसे कई नए फीचर्स के साथ में लाने वाली है, रेड डार्क एडिशन भी। और नए एडास सेफ्टी सूट में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग, रियर कोलाइजन वार्निंग के अलावा रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे खास फीचर्स हैं। और इन दोनों ही वाहनों में 2.0 लीटर का डीजल इंजन है जो कि 170 bhp की पावर, 6 स्पीड का MT और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स इस साल फेस्टिवल सीजन में यानी कि दीपावली के आसपास अपनी एक शानदार गाड़ी लाने वाली है अल्ट्रोज रेसर के नाम से। और रेसर में मैक्सिमम पावर टर्बो पेट्रोल इंजन, न्यू फीचर्स, एक्सटीरियर स्टाइलिंग अपडेट मिलेगा और एक बार लॉन्च होने के बाद में सीधे तौर पर हुंडई i20N लाइन को टक्कर देने वाली है। और नई एल्ट्रोस रेसर 1.2 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगी, जिसमें 120 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क होगा और यह इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। फीचर्स के मामले में नया एल्ट्रोस रेसर में इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर, 7-inch का इंस्ट्रूमेंट कंसोल और 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कई शानदार फीचर्स होने वाले हैं। इसके अलावा टियागो ईवी की बात करें जो देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से, कंपनी अब इसका भी एक शानदार वर्जन ईवी ब्लिट्स लाने वाली है और इसके स्पोर्टर वेरिएंट को लॉन्च करने वाली है। ऑल ब्लैक एक्सटीरियर, ट्रिम एलिमेंट्स, एयर जैम में ग्लास ब्लैक, वाइट शेप्ड मोटिव्स और व्हील आर्च होंगे। पावर ट्रेन बिल्कुल सेम होने वाली है, जबकि ब्रांड ने यहाँ पर न्यू टियागो ईवी ब्लिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो काफ़ी शानदार अपग्रेड्स स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर इनमें से कोई सी भी गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट पर फिट बैठती है और अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो फ्यू डेज वेट कीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको अपने नियरेस्ट शोरूम पर ये अवेलेबल होने वाली हैं। और चाहें तो आप इन्हें टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट या नियरेस्ट शोरूम पर भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप परचेज करने जा रहे हैं किसी अदर ब्रांड्स की गाड़ी और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी और उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ लाइवली शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और हम आपके पास पर्सनली विजिट करके आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ लाइवली शेयर करेंगे। तो दोस्तों अब आप भी इस चैनल के साथ एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं।
अपनी इन्फॉर्मेशन चैनल पर शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।